नमस्कार दोस्तों, मैं संतो कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल का नाम है टिकन आर्क वेल्डिंग। दोस्तों इस पर मैं आपको सब बताऊँगा कैसे कैसे टिकन आर्क वेल्डिंग मारते हैं। इसके लिए दोस्तों क्योंकि मैं वेल्डर हूँ ऑलरेडी, मैं ठीक है ना, तो उसके लिए मैं और लगभग मैं 2002 से मैं वेल्डिंग मार रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि हाँ कैसे वेल्डिंग मारना है, कैसे क्या करना है। तो जो लोग वेल्डर बनना चाहते हैं, जो लोग वेल्डर के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं ये नया चैनल खोला हूँ। तो आज फर्स्ट मैं वीडियो डाल रहा हूँ नया चैनल पे, ठीक दोस्तों। तो जो भी आदमी हैं जो सीखना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट सेक्शन है। उसके बाद दोस्तों फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर बताते जाएंगे, मैं कैसे कैसे क्या करना नहीं करना है। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमेशा वीडियो आते रहेगा। इस पर कुछ पूछना हो अगर तो कमेंट भी जरूर कर दें कि हाँ ये चीज़ कैसे होता है, वो चीज़ कैसे होता मालूम पड़ेगा इससे भी, ठीक है दोस्तों। फिर इससे भी फायदा रहेगा आप लोग को। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है आप लोग सीखने के लिए आप लोग को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हल्ला तो होगा ही, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, तो हल्ला होगा। तो इस पे लिए माइंड मत कीजिएगा कितना हल्ला क्यों, इतना शोर क्यों हो रहा है, क्योंकि जगह जगह काम चलते रहता है हर जगह पर। इसके लिए हल्ला होगा, शोर भी होगा, तो उसको माइंड मत कीजिएगा इसको, ठीक है। ज़्यादा करके ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। और उन लोग के लिए जो भी खास करके नया आदमी जो सीखना चाहते हैं, जो आदमी विदेश आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए खास कर ये वीडियो है। ये विदेश आए तो वेल्डिंग मार के वेल्डिंग का काम सीखे हैं, विदेश आए चाहे इंडिया में रहें कहीं भी रहे, वेल्डिंग मारने के लिए आप इंटरेस्ट अगर आपको है अगर, तो ये अच्छा मौका है। ये इसमें इस चैनल पर बने रहिए, आपको हर एक चीज़ जानकारी मिलती रहेगा आपको, ठीक है दोस्तों। फिर चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसमें। पहले दोस्तों आज मैं ये बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसा कैसा देखने में लगता है, वो सब चीज़ आपको बताऊँगा मैं। फिर उसे जैसे नेक्स्ट स्टेप बढ़ते जाएंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने के बाद में नुकसान क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा आदमी को दिक्कत होता है सुनने के लिए भी, ठीक है दोस्तों। फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो हम लोग। देखो दोस्तों, ये हम लोग का वेल्डिंग मशीन, ये नीचे रखा हुआ है, होल्डर अर्थिंग केबल दोनों ही है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का अर्थिंग केबल जिसे हम लगाते हैं, जिसको बोलते हैं माइनस में लगता है ये अर्थिंग, और इसे हम लोग, और ये हो गया हम लोग का होल्डर जिसे हम वेल्डिंग मारते हैं, आर्क वेल्डिंग जिसे मारते हैं। तो मेरा चैनल जो है टिकन आर्क के लिए है, तो टिक भी देखकर बताऊंगा आपको। और ये मशीन हो गया, मिलर का मशीन है, ये बहुत अच्छा मशीन होता है। देखिए मशीन ऑन हो गया, ऑलरेडी लाइट ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पर मशीन ऑन हो गया। और ये बगल में है बटन है, जिसको हम पावर हम लोग अप डाउन करते हैं, पावर अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। और ये हम लोग का पावर सेट करने के लिए है, टिकन पे आर्क मारना है, टिक मारना है, क्या मारना, मिक मारना है, क्या मारना, सब कुछ काम के लिए मशीन है ये, बहुत अच्छा मशीन है ये इसके लिए। और ये अर्थिंग है, तो अर्थिंग हम लोग दोनों काम में आता है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं होल्डर, अर्थिंग दोनों लगेगा यहाँ पे, तो इसके लिए। और ये हम लोग का ओवन हो गया, ओवन दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए ओवन देता हूँ। ये हम लोग का, ये हर जगह ओवन रहता है, इंडिया में हो, यहाँ पर हो, कहीं कतर में, जहाँ भी रह रहे हो आप, तो वहाँ पर ओवन रहता है ये ओवन, ठीक है। इस ओवन में डर होता है हीटिंग, जो कि ओवन 80 टेम्परेचर में होता है, हाँ 180 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है इसका, रड का हीटिंग टेम्परेचर। तो हम लोग उसको हीट करके मारते हैं हम लोग, उससे बाहर से फ्री हीटिंग होता है। तो ये हम लोग का 7 का रड है, 2.5 का एम का रड है ये, ठीक है। कुछ भी जानकारी चाहिए आपको, तो आपको जानकारी मिलेगा यहाँ पे, आपको पूछना है कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये 2.5 का रड है, देखिए क्लियर नहीं हो रहा है, फोन जूम नहीं कर पा रहा कैमरा, देखिए जूम किया, 7 का हिसाब का रड है ये, ठीक है। हिसाब का रड तो बोलते तो फेमस रड, बहुत अच्छा होता है रड, इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं है, तो जबरदस्त रड होता है ये दोस्तों। यही है हम लोग का ओवन, ओवन में रड डाल के हम रखे हैं हम लोग। तो बताता हूँ आप लोग को और क्या क्या मशीन सब कुछ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दोस्तों फर्स्ट चैनल है, इसके लिए सिर्फ ज़्यादा करके मैं आपको सामान सा दिखाऊँगा मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये मकीता का वॉफिंग ग्रैंडिंग मशीन है, जिसे हम बफिंग करते हैं कोई पैप के अंदर में, चाहे और भी कुछ है, तो उसके लिए हम लोग तो गेनिंग लाते हैं। और ये पेपर व्हील है, ये आपको मालूम होगा, किसी को मालूम नहीं तो उसको देख लीजिए। और ये पेपर गेनिंग व्हील है, ये जैसे हम लोग पेपर पॉलिश जिसे बोलते हैं, जैसे हम लोग पॉलिश करते हैं, पॉलिश पेपर व्हील। और ये हम लोग गेनिंग मशीन, गेनिंग व्हील थोड़ा यूज़ किया हुआ है, ये वाला भी गेनिंग व्हील ही है ये। और ये 1.6 का mm का कटिंग व्हील है, ये 1.5 mm का कटिंग व्हील है, ये कितना पतला देख लीजिए। तो इससे कटिंग करते हैं कोई भी पाइप, कुछ भी कटिंग करना हो तो। और ये बड़ा J7 का मशीन का ये ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग व्हील है ये,
बड़ा वाले का। तो जो भी दोस्तों होगा सब बताते जाऊंगा मैं आप लोग को हर चीज़ के बारे में। सिर्फ आपको मैं आपको थोड़ा सा और ये स्पीड लेवल है फिटर लॉक का, फिटर लॉक जो यूज करते हैं स्पीड लेवल, ये बड़ा स्पीड लेवल है ये लेवल देखने के लिए। और ये राइटिंगल है जो मतलब बड़ा पाइप को अगर मार्किंग बड़ा पाइप अगर यूज करना है तो उसके लिए राइटिंगल था। और ये सॉकेट है दोस्तों, ये सॉकेट किसके लिए, जो ग्रेडिंग मशीन लोग यूज करते हैं, चाहिए यूज करते हैं, ये वाला हम लोग प्लगिंग, ये प्लग लगाते हैं हम लोग उसमें, तो ये वाला हम लोग के लिए काम करेगा ये, ठीक है दोस्तों, उसी के लिए है। सैमसंग इसमें भी दिया हुआ है, देखिए इसमें सॉकेट दिया हुआ है, दो है जो मिल फैन यूज करते हैं दोस्तों। ये हम लोग मशीन के लिए प्लगिंग करने के लिए है, ये जो मशीन प्लगिंग करते हैं हम लोग हैं। जो नए आदमी हैं उनको देख लीजिए कैसे कैसे होता है ये दोस्तों, विदेश का सीन है ये, तो विदेश में देख लीजिए कैसे कैसे काम होता है। ये 4 इंच का पाइपलाइन है, इसमें भी बन के रेडी है, अभी है 36 mm भी रहेगा, 37 mm भी रहेगा इसका, इसका जो डीप होता है ना भी का साइज वो ऐसा रहेगा वो। तो इसमें एल्बो और फ्लांच कुछ भी फिटअप कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग के पास में अभी एक और ग्राइंडिंग मशीन है, ये भी देख लीजिए, ये मशीन मैं चालू कर देता हूँ। ये बॉस कंपनी का ग्राइंडिंग मशीन है, तो सब नया ही मशीन, नए सामान सब आया है दोस्तों। ये बॉस कंपनी का मशीन ग्राइंडिंग मशीन है, बॉस कंपनी इसको बोलते हैं। और इसमें पेपर व्हील इसमें लगा हुआ ऑलरेडी है ये, जो कि कितना डिग्री कितना RPM पर चलता हूँ इसका पक्का कन्फर्म हमको नहीं है, क्योंकि मैं वेल्डर हूँ तो वेल्डर के लिए इतना हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग वाला जानकारी हम लोग को है। बिल्डिंग बारे में जो भी चीज़ पूछेगा तो बताऊँगा मैं आपको, ग्रेडिंग कितना रनिंग में है कितना क्या तो मालूम हमको नहीं है। ये दोस्तों ये कटिंग कर रहे हैं भाई साहब, एक तो भाई साहब अभी कुछ कटिंग कर रहे हैं कुछ ग्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे करके होते रहता है हमेशा, क्योंकि फेब्रिकेशन है ये। देखिए दोस्तों कटिंग कर रहे हैं, ये सड़ी अलर कटिंग कर रहे हैं वो, दोस्तों फैन लगा हुआ है जगह पे है, दो फैन हम लोग पास लगा। देखिए दोस्तों एक और मशीन हम लोग, ये मशीन है जो मशीन मेरे नाम पे मशीन शुरू है ये दोस्तों, ये वाला अर्थिंग है, अर्थिंग केबल है ये, इसका यहाँ पे ऐसा होता है, इसका मेल फेल होता है। देखिए वही मशीन ऑन हो गया, देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, यहाँ पे वही भी ऑन हो गया। और ये पावर कम ज़्यादा करने के लिए है, ये पावर कम ज़्यादा करने के लिए। और ये वाला जो बटन है वो आर्क के लिए और आर्गन के लिए है, और ये रिमोटिंग के लिए है, रिमोट मतलब बाहर रिमोट करना है इसके, इसका रिमोट यूज़ करना है उसके लिए, तो हमको इसका रिमोट यूज़ करना है। और ये दोस्तों ये भी और DN का ओवन है, वो देख लीजिए, इसमें भी सेम लॉट रखा हुआ है, क्योंकि हर एक जगह सब आदमी का अलग अलग काम है। तो दोस्तों ये होल्डर है, अर्थिंग ये होल्डर है, जो कि मेरे नाम पर ही होल्डर है, उसमें ऑलरेडी है, लेकिन नाम लिखा हुआ है सिंटू, तो मेरा नाम सिंटू इसके वजह से ये लिखा हुआ इस पर है। दोनों चीज़ अर्थिंग केबल दोनों है इधर रखा हुआ, अभी कुछ काम नहीं है इसके वजह से, तब आपकी वीडियो के लिए मैं अभी काम बंद कर रखा हूँ, तो ये वीडियो खत्म करने के बाद अपना काम शुरू होगा मेरा अभी। तो दोस्तों देखो ये भी दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लगिंग है, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, देख लीजिए। आज दोस्तों हर चीज़ बारे में जानकारी आज मिलेगा आपको, आज देखिए हैंगलॉस है जिसे हम कहते हैं आर्क हैंगलॉस, ठीक है दोस्तों, जिसे हम आर्क यूज कर लिए रहते हैं। और ये अपरन है जिसे अपरन हम लोग यूज करते हैं, ये पहन के यूज करना है, पहन के वेल्डिंग मारना है, कुछ भी पेन वेल्डिंग बनना ग्रेडिंग कुछ भी करना तो उसके लिए यूज करना है। और दोस्तों ये हेलमेट है हम लोग का, वेल्डिंग हेलमेट जिसको बोलते हैं, ये फोल्डेबल होता है वेल्डिंग हेलमेट, लगा करके आप इसको फोल्डिंग कर सकते हैं उसको। आप अपने इंडिया में सब नहीं होता है, अपने इंडिया में अभी धीरे धीरे आ रहा होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत दिन से यहाँ पे ये है सिस्टम, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए अपन बता के दिखाई दिया आपको मैं, ये वेल्डर नंबर सब कुछ है मेरा इस पर लिखा हुआ, देख लीजिए इस पर नाम भी लिखा हुआ है इधर सिंटू करके सब कुछ। तो दोस्तों यही सब कुछ है यहाँ पे। उसके बाद फिर दोस्तों देख लेते हैं हम लोग इसका कि, और देख दोस्तों ये वाला हम लोग, तो दोस्तों ये हम लोग का हैंड स्लिप है जिसे हम लोग हाथ में लगा के मारते हैं। आपको आगे मैं ये भी दिखा दूँगा कैसे कैसे लगाना, कैसे क्या करना, देखिए सब कुछ दिखा दूँगा आपको धीरे धीरे करके। और ये लेग गार्ड है जिसको पैर में लगा करके सूप के ऊपर कि जूता में कुछ ना जाए, इसके लिए ये लेग गार्ड है, हैंड स्लिप लेग गार्ड अपलाइन और हैंग लॉस लगा के ही कुछ भी काम करना है इधर, सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि सेफ्टी में ही रहेंगे तो भी कुछ काम कर पाएंगे आप। दिखा दिया आपको मैं,
तो दोस्तों देखते हैं अब हम लोग वेल्डिंग मारने के लिए है, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। लेकिन दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा पूरा आपको मैं, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करते हैं और सब। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।